गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल है भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा, विश्व साइकिल यात्री, एक बार फिर आ गया हूँ आप लोगों के सामने। और अब हैं हम होशियारपुर में और आज बजे हैं सुबह के 6। और आपका बाबा देख जो 9 बजे उठता है, 6 बजे तैयार हो गया। बस सब इन लोगों की दुआ से आप लोग, मैं पहला ऐसा राइडर होऊंगा जो 9 बजे उठ के चलता तो आज मैं हूँ यहाँ पे बाइक स्टोर के सामने। 3 दिन तक बाइक स्टोर में बैठे रहने के बाद में, उनकी बहुत सारी सेवाएं लेने के बाद में, अब हम सब राइडर्स हैं जो कि होशियारपुर सिटी के हैं और हम जा रहे हैं। आगे पता चलेगा ना कहाँ तक जाते हैं देखते हैं। नहीं, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, मेरे को सुनने में आया है, सर ने बहुत ज़्यादा तारीफें कर रखी हैं। तो मैं तो भाई सुबह सुबह अच्छी सी राइड करके राइडर्स के साथ में और हम पहुंच गए हरियाणा। अब आप पूछोगे कि हरियाणा क्या है, तो हरियाणा यहाँ पे होशियारपुर से आगे एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम हरियाणा है। तो हरियाणा में आके और चाय पी ली और साथ में क्या वो मटर खा ली, मटर बड़ी काम, मटरी, हमें हम मटर बोलते हैं, हम मटरी बोलते हैं, ठीक है, असी मटर बोलते हैं। तो छोटे होते थे जब फादर जी के साथ में बैंक में जाते थे, तो बैंक में नौकरी करते थे, तो पापा का एक अकाउंट चलता था चाय वाली दुकान पे। तो एक बार पापा की ट्रांसफ़र होगी 15-20 दिन के लिए, तो हमने उस चाय वाली दुकान पे अकाउंट चलता रहा। तो उस भले ज़माने में हमने 400 रुपये का अकाउंट बना दिया था उस टाइम में, मटरी खा खा के। ये भी एक एक्सपीरियंस था लाइफ का। पापा बोले कि हाँ जी बेटा आएगा, उसको कुछ खिलाना वो खिला देना। मैं तो सुबह से लेकर शाम तक चाय के साथ मटरी खाता था। अभी हरियाणा से भी चाय पी लिया और निकलने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे मैंने साइकिलिस्ट देखे हैं जब हम वहाँ पे चले थे ना, जब स्टार्टिंग पॉइंट था, तब मेरे ख्याल में 15-20 लोग थे। अभी हम यहाँ 4 ही पहुँचे हैं, वो भी 4 भी मेरे ख्याल में शर्म शर्म में आ गए, नहीं तो हम 2 ही पाते तो ये इसको धीरे धीरे मेंटेन करोगे ना तो बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और अब सर को सबको बाय बाय बोलते हैं। थैंक यू सर आपका, और स्पेशली मटर खिलाने के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आपका स्पेशल थैंक यू 3 दिन मुझे झेलने के लिए। 10वां पहुंच गए भाई, लैंड ऑफ पांडवाज, पांडवों का जगह है। और हम कहते हैं ना नोमैडिक्स, रियल नोमैडिक्स ये लोग होते हैं जिनको हम गडरिया लोहार बोलते हैं। ये इनका घर एक दिन कहीं पे होगा, दूसरे दिन कहीं पे होगा, जो पीछे गाड़ी जा रही है। इनको देख के लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू किया, तो इंडिया में तो स्पेशली। तो हम जो लोग हैं वो गडरिए हैं। इंद्र देवता हमसे नाराज़ हो गए हैं और बारिश शुरू हो गई है, तो अब देखते हैं कितनी देर चलेगी और कितनी तेज़ चलेगी। अगर पीछा जल्दी छूट जाता है तो आगे चलेंगे, नहीं तो कुछ और जुगाड़ करेंगे। और सुबह के 9:30 हुए हैं अभी तक और हम 50 किलोमीटर राइड करके आ चुके हैं अब तक। अच्छा भाई, मैं बारिश थी तो गुरुद्वारा टक्कर साहिब पे अपनी धनों को खड़ी करके, और सर आ गए थे एडवोकेट साहब हमारे पास। हेलो, कैसे हैं आप सर? बढ़िया। तो सर मुझे बिठाला ही बोला कि 10वां आए हो, तो 10वां के बारे में थोड़ी हिस्ट्री के बारे में, मैं चलो सर आप ही बता दो हमें, हमें तो पकड़ना होता है किसी ना किसी को तो आज हमें वकील महोदय फंस गए हैं। तो सर थोड़ा सा बताइए आपके शहर में जो 10वां है, इसे लैंड ऑफ पांडवाज कहते हैं। जब 10वां पांडव जो थे अज्ञातवास के बाद जहाँ पे रहे थे, और जय सरोवर उनके द्वारा ही प्रकट किया गया, और जहाँ पे उन्होंने पूजा की, और इस उनकी याद में जहाँ पे मंदिर बना हुआ है,
और ये वाला मंदिर है, ये पूरा ये सरोवर सा पांडव ताल है, इसे पांडव ताल कहते हैं, इसको कहते हैं पांडव ताल। ये अच्छा, ये खाली कैसे हो रहा है? अच्छा अभी सफाई सफाई कर रहे हैं, सफाई होनी है, सफाई के बाद जहाँ पे पानी भरेंगे मछलियों का सारा प्रबंध है। अच्छा मछलियाँ भी है, मछलियाँ भी हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो अंदर की तरफ हम अब जाएंगे नहीं क्योंकि बारिश हो रहा है और पंडित जी आगे खड़े हैं तने तनाए कि भैया गिले गिले हैं और आप बताओ। हाँ तो कहते हैं कि अज्ञातवास के दौरान, मैंने पढ़ा है यार गूगल बाबा से, किसी ने बताया नहीं तो अज्ञातवास के दौरान ना यहाँ पे 250 भीम ने मारी थी, उससे एक सरोवर बन गया था, मतलब जोड़ 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 बोलते हैं वो हो गया था, और उसकी मिट्टी यहाँ से कुछ दूर और है गगन का टिल्ला वहाँ पे पाई जाती है, वहाँ पे एक शिवलिंग जी भी है, तो शिव जी का मंदिर भी है वहाँ पे, तो हाँ वो उसको टिल्ले पे चढ़ने के लिए 500 पौड़ी चढ़नी पड़ती है। ओके, वो कितने किलोमीटर होगा सर यहाँ से? यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर। अच्छा 15 किलोमीटर अलग है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी दसवा के बारे में। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं, और बारिश एक बार बंद हो गई है तो सर मुझे टक्कर साहब गुरुद्वारा, वो टक्कर साहब क्यों नाम लिखा हुआ है? गुरुद्वारा टक्कर साहब वहाँ पे रुके थे जो सिक्स गुरु थे, और जब वहाँ से आ रहे थे गुरदासपुर से इधर आ रहे थे। अच्छा, तो वहाँ पे रुके थे, स्टे किया था, तो इसलिए उसको उस गुरुद्वारा साहिब को गुरुद्वारा टक्कर साहिब कहते हैं। और वहाँ पे अपनी दनों खड़ी है, हम वापस वहीं पे जाते हैं, और हम आज शाम को होशियारपुर की तरफ निकल, होशियारपुर करें गुरदासपुर, हाँ आज शाम को हम गुरदासपुर पहुँच जाएंगे, तो अभी 40 ही किलोमीटर है तो टेंशन लेने की जरूरत। हेलो भाई, मुकेरियाँ करके कोई जगह है, वहाँ पहुँच गए हैं, बारिश बंद हो चुकी थी तो वहाँ पहुँच गए भाई मुकेरियाँ, और आपको सामने दिख रहा होगा एक पीला पीला मंदिर, ये मंदिर है हमारी राधे माँ का, और जो राधे माँ का जो नेटिव प्लेस है वो ये आपका मुकेरियाँ जो गांव है, टाउन सा है एक छोटा सा वो है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि राधे माँ जी हैं जो यहाँ से यहाँ के रहने वाले हैं, इसको अथवा में ना लें मेहरबानी करके, मैं किसी पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट एक सिंपली बात बता रहा था कि ये जो आगे जो टाउन आएगा ये पूरा का पूरा मुकेरियाँ हैं, मुकेरियाँ से अब मुझे साइड में जाना है, मैं जा रहा हूँ गुरदासपुर। ए बिग सरप्राइज फॉर मी, थैंक यू सर नरेश जी, स्पेशली इसके लिए जो पीछे लगा हुआ है, और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू भाई। तो भाई मैं नरेश भाई और के साथ में अमृतसर आ गया था, तो यहाँ पे गोल्डन टेम्पल विजिट करना है मुझे। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਭਾਅ ਜੀ ਔਰ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੋ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਔਰ
दरबार साहब के आपको दर्शन करवा दिए हैं। अपना किस्मत जो है बड़ी चंगी रही है, आज गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश उत्सव है तो क्राउड भी पूरा है, सारे जितने भी अपनी संगत आई है दीपमाला हो रही है और चारों तरफ फूलों से और दीप से सजाया हुआ है पूरा का पूरा दरबार साहिब। और मैंने बहुत सारी जगह ट्रैवल किया भाई, जब मैं इंडिया ट्रैवल कर रहा था तो मैं यहाँ पे आया था आज से 3 साल 11 महीने और 20 दिन पहले की बात है जब मैं यहाँ पे पिछली बार आया था, और उसके बाद अब आने का मौका मिला है दोबारा से। मैं पिछली बार जब आया था तो यहाँ मैं 4.5 घंटे बैठा रहा था उस कोने के अंदर, और आज भी अभी तो चलो हम आए हैं, वापसी में हम देखेंगे और एक स्पेशल टूर मैं कभी फ्यूचर में बनाने वाला हूँ वो आप लोगों को दिखाने के लिए, तो अभी तो हम चलते हैं। ये अकाल तख्त साहिब है जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम में डैमेज हो गया था, उसको दोबारा से सारे को तैयार करा गया है। तो दोस्तों रात के बज गए एक, अब भाई साहब का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया और हम वापस घर पे आ गए हैं और अब करते हैं सोने की तैयारी। सुबह हम आगे जम्मू की तरफ निकलेंगे तो जम्मू के लिए हमारी पूरी तैयारी हो गई है, बाकी तो कल के वीडियो में बताएंगे। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।